दोस्तों आज हम टाटा स्टील को डिस्कस करने वाले। टाटा स्टील ने किया है बहुत बड़ा फैसला। आने वाले समय में टाटा स्टील का इस फैसले के ऊपर क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा देखने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे देख सकते हो कि आज कुछ स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, क्या इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे टाटा स्टील में आने वाले समय क्वार्टर फोर की संभावना बन रही है, कैसा रिजल्ट रह सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ ITC को डिस्कस करेंगे। ITC ने कर दिया है कमाल, आप देख सकते हो HDFC को पीछे छोड़ के ITC आगे निकल चुकी है और अब जल्द ही इन्फोसिस को भी ओवरटेक कर सकता है ITC। और ये ITC का स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, एक नई हाई बना दी है। क्या इस समय ITC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्या है लेटेस्ट टारगेट। दूसरी तरफ अगर हम IRFC की बात करें तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। बहुत ही मजबूत फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है क्योंकि इनका कोई जीरो NPA, सारा का सारा जो फंड प्रोवाइड करती है रेलवे को उसकी गारंटी सरकार लेती है, कोई भी टैक्स इनको पे नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा देखें तो सिर्फ 37 एम्प्लॉइज कंपनी को चलाते हैं, तो ये सारी जो बातें इसको बहुत मजबूती प्रदान करती है। और इसकी प्राइस बहुत नीचे अभी अपने आप देख सकते हो कि ये स्टॉक IPO प्राइस के आसपास है। और जो सबसे बड़ी बात है कि बुक वैल्यू से बहुत नीचे, क्या दाव लगाना चाहिए। एक और कंपनी को आज हम डिस्कस कर लेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है, तो ये चार स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग आज 106 पर रही है, जहाँ पे हमें 1.76% की गिरावट देखने को मिली है। मेटल इंडेक्स आज दबाव में था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि इस गिरावट के बावजूद भी कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड ने यहाँ पे बाय की कॉल दी है और इन्होंने इसका जो टारगेट रखा है 112 का है। तो यहाँ पे देख सकते हो 112 के टारगेट के साथ में खरीदारी की सलाह दी जा रही है और इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 106 का। तो वैसे अगर आप देखें तो 105 आज लो में भी गया था, लेकिन फिर स्टॉक ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो 106 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको इसमें खरीदारी करनी है। 112 का टारगेट देखने को मिल सकता है, ये कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी 3 मई को अपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है और इसमें कंपनी अपने क्वार्टर फोर के नतीजे भी जारी करेंगे और इसके साथ में कंपनी कुछ बड़े फैसले भी लेने वाली है। कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि इस बोर्ड मीटिंग के दौरान टाटा स्टील ऑफशोर ग्रीन लोन के जरिए $400 मिलियन जुटाने की भी अनाउंसमेंट कर सकती है और इसके लिए कोशिश शुरू कर सकती है। और इस लोन की अवधि ये 5 साल की हो सकती है और इसके लिए कंपनी लैंडर से बातचीत ऑलरेडी कर रही है। हालांकि टाटा स्टील ने इसके आधिकारिक तौर पर इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बात यह है कि ये $400 मिलियन का फंड जुटाने की तैयारी हो चुकी है और इस ऑफशोर ग्रीन लोन के माध्यम से इनका जो नीदरलैंड का प्लांट है वहाँ पर ग्रीन स्टील के माध्यम से पूरी तरह से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और कंपनी धीरे धीरे आने वाले समय अपना जितना स्टील का प्रोडक्शन वो सारा ग्रीन स्टील के माध्यम से करेंगे ताकि पोल्यूशन कम हो। इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन के साथ में भी बातचीत शुरू कर दी है ताकि आने वाले समय गवर्नमेंट की मदद से वहाँ पर भी ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू हो जाए और इंडिया में भी जल्द ही यहाँ पे टाटा स्टील ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू कर देंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा मौका निकल के आ रहा है। एक बड़ी अपडेट और निकल के रही है, टाटा स्टील यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मेथनॉल का पायलट प्लांट लगाने की शुरुआत करने जा रही है। तो ये जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील 10 टन्स पर डे के हिसाब से पायलट प्लांट लगाने जा रही है। ये कलिंगा नगर फैसिलिटीज में ओडिशा में होगा जो मेथनॉल बनेगा और आप देख सकते हो इस मेथनॉल का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में होगा। सबसे बड़ी बात है कि मेथनॉल प्लांट के माध्यम से इंडिया जो अपनी इकोनॉमी को है वो धीरे धीरे आने वाले समय में एक मेथनॉल इकोनॉमी की तरफ बढ़ा सकते हैं और आने वाले समय जो हमारा फ्यूल है उसकी कॉस्ट घट सकती है, साथ में पोल्यूशन फ्री फ्यूल हमें मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि मेथनॉल प्लांट के माध्यम से देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है पावर और स्टील प्लांट में, उसमें जो क्वांटिटी बहुत कम रहती है। सबसे बड़ी बात है कि मेथनॉल के प्रोडक्शन में सिर्फ 25 पर लीटर के हिसाब से कॉस्ट आती है और जबकि आप अगर आप देखें तो जो बायो एथनॉल है उसका 65.60 पर लीटर का प्राइस है। तो इस हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा चीप हो जाती है और इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो सकता है। हाइड्रोजन की बात करें, इसके प्रोडक्शन में आप देख सकते हो करीब $1.5 पर KG के हिसाब से खर्च आता है और आप देख सकते हो कि इस हिसाब से देखें तो ये काफ़ी सस्ती है और इसके लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। एक तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है ये टाटा स्टील के लिए। तो काफ़ी बड़ा फैसला है जो आने वाले समय टाटा स्टील को मजबूती प्रदान कर सकता है, तो ये मौका है टाटा स्टील में खरीदारी का। चलते हम ITC की तरफ। फिलहाल स्टॉक 408 पर है, 1.92% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और इंट्राडे में इसने 409 का ही बनाया, ये ऑल टाइम हाई है। फिलहाल आप देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक ने 56% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और अगर हम बात करें इसके 1 मंथ की तो 8% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो लगातार स्टॉक दौड़ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो अब CLSA की तरफ से इसकी बाय की कॉल निकल के आ रही है और इन्होंने जिसका टारगेट सेट किया 430 का टारगेट है। इस समय स्टॉक 408 के आसपास है, तो आने वाले समय इसमें एक आराम से तेजी का दौर शुरू होगा और स्टॉक 430 तक जा सकता है। पहले इन्होंने 415 का टारगेट दिया लेकिन इसको बढ़ा के 430 कर लिया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ITC ने इतिहास रच दिया है। HDFC को पीछे छोड़ के इंडिया
के अंदर ITC 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और जल्द ही इंफोसिस को भी पीछे छोड़ सकती है ITC। पहली बार ITC ने 5 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप को पार कर लिया और देश की 11वीं कंपनी बन गया जिसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपीज़ को टच कर चुका है। फिलहाल ITC का मार्केट कैप देख सकते हो 5,6,566 करोड़ रुपीज़ हो गया है, जबकि HDFC का मार्केट कैप 5,3,530 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, तो HDFC को इसने पछाड़ दिया है। अभी इन्फोसिस के मार्केट कैप की बात करें तो 5,07,680 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, यानी बहुत ही कम दूरी रह गई है। यानी जिस तरह से ITC का तेज़ी से दौड़ने की जो शुरुआत आगे बढ़ चुकी है और जिस तरह से इन्फोसिस दबाव में दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिन में ही इन्फोसिस को ओवरटेक करके इंडिया की 6वें नंबर की कंपनी बन जाएगी ITC, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ITC के लिए। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका 15.85 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप नंबर 1 पर है और 11.46 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ TCS दूसरे स्थान पर है और 9.30 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप के साथ HDFC बैंक का तीसरा स्थान है। तो ये आप समझ सकते हो कि ICICI बैंक 6.20 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट के साथ में 4वें स्थान पर है और HUL का मार्केट कैप 5.86 लाख करोड़ रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हो कि अब जल्द ही ITC अपना 6वां स्थान प्राप्त कर सकती है, तो बहुत ही शानदार मौका है ITC के लिए इस समय खरीदारी का। आने वाले समय ये आपको कमाल का रिटर्न दे सकता है, बहुत ही मजबूत स्टॉक लग रहा है, लगातार इसका बिजनेस बढ़ रहा है। आप देख सकते हो इसका पिछले 1 साल में रेवेन्यू बढ़ा है, दिसंबर 2021 में 18,366 करोड़ इसके आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 19,021 करोड़ के आसपास पहुंच गया। प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2021 में 4,057 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 5,007 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। सबसे जो बड़ी बात है कि अब इनका सिगरेट के अलावा का जो बिजनेस है वो 60% हो चुका है। FMCG सेक्टर में कंपनी की पकड़ बहुत मजबूत हो रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद 2वें नंबर की FMCG कंपनी बन गई है। इनके प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है, आपको हर घर में दिखाई देंगे। FMCG में कंपनी का कामकाज अच्छा है। इसके अलावा कंपनी डेयरी प्रोडक्ट भी बना रही है और कंपनी का अगर सबसे बढ़िया पेपर बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और होटल का बिजनेस भी कमाल कर रहा है और IT के बिजनेस में भी कंपनी की पकड़ मजबूत हो रही है। ऐसे में सारे बिजनेस है जो आने वाले समय ITs को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में ITC होना ही चाहिए। जब बाजार में गिरावट होती है तो ये अकेला स्टॉक है जो ऊपर की तरफ दौड़ता है। अब चलते हैं हम IRFC की तरफ। फिलहाल स्टॉक 27.95 पर है, जहाँ पे 0.89% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 28.55 तक गया स्टॉक, यानी काफ़ी अच्छी तेजी बनी, लेकिन थोड़ा सा दबाव बना प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया। लेकिन अभी 1 मंथ के हिसाब से इसमें देखें तो 3.71% की इस समय तेजी देखने को मिल रही है। निचले लेवल से स्टॉक फिर से अब बाउंस बैक देने को तैयार हो चुका है। सिर्फ 5 डेज की बात करें तो 2.38% की तेजी देखने को मिली है। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 36,618 करोड़ का है, करंट प्राइस की 28 की है, लो 19 रुपीज़ का है और हाई 37 का है। यानी ये देख सकते हो बजट के पहले स्टॉक डबल हो चुका था, लोगों को जबरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे भी आया। स्टॉक काफ़ी देख सकते हो आप 5.63 का है, बुक वैल्यू इसकी 33.30, यानी अपनी बुक वैल्यू से भी बहुत नीचे मिल रहा है आपको। डिविडेंड भी दिया 4.99% का, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका ROC 5.11% है और ROE 15.8% है और इसकी फेस वैल्यू 10 है, तो बहुत ही मजबूत है फंडामेंटली कंपनी। और यहाँ पे देखें तो रेलवे ने भी इस बार एक बड़ा अचीवमेंट किया। पहली बार देखें तो रेलवे ने 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ का इनकम कमाई है और ये देख सकते हो कि जिस रेलवे के ऊपर खर्च किया गया उसका अब रिटर्न देखने को मिल रहा है। रेलवे फिर से अच्छा पैसा कमा के दे रही है सरकार को और जिस तरह से सरकार लगातार रेलवे के ऊपर खर्च कर रही है, सीधा फायदा IRFC को होगा, क्योंकि IRFC रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। यानी आने वाले समय जिस तरह से प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, डबल लाइन हो रही है, सभी लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है और नए वंदे भारत ट्रेन आ रही है, वंदे मेट्रो आ रही है, ये सारी बातें जो साबित कर रही है कि आने वाले समय में IRFC का काम बढ़ेगा। आप देख सकते हो पिछले 2-3 साल में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। आप देखें इसके सेल्स मार्च 2021 में 15,771 करोड़ के आसपास थे, जो इस TTM 23,587 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2021 में 15,657 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 23,470 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 4,416 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 6,502 करोड़ तक पहुंच गया। यानी लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है। और अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 86.36% के आसपास है। आने वाले में सरकार अपनी होल्डिंग कम करेगी, क्योंकि 75% के पास लाना होगा इसको। इस बार FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। देख सकते हो दिसंबर में 1.01% की होल्डिंग थी, जो इस बार 1.15% पर आ गई है। तो FII ने अपना दाव बढ़ा दिया, यानी FII की राडार पर स्टॉक आ चुका है। DII ने अपनी होल्डिंग कम की है, 2.97% की होल्डिंग थी दिसंबर, इस समय 2.62% पर आई है। इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि स्टॉक पिछले दिनों दौड़ा था। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग आपको
बढ़ती हुई दिखाई देगी। 9.66% थी दिसंबर क्वार्टर में, जो इस बार 9.87% हो गया है। कुल मिलाकर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्प्रेकिंग एग्रो इक्विपमेंट लिमिटेड की। 140 नंबर स्टॉक है, जहाँ पे 1.38% की आज तेजी देखने को मिली। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक पिछले एक साल में मल्टीबैगर साबित हो चुका है। 565% का इसने बंपर रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो 22 के आसपास स्टॉक था, इस समय 147 के आसपास स्टॉक लगातार दौड़ा है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 216% का बंपर रिटर्न दिया है। 46 के आसपास स्टॉक था, और अगर हम बात करें इसके 1 मंथ के रिटर्न की तो वो भी 30% के आसपास है। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है, लगातार दिया, काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। और अब कंपनी देने जा रही है बोनस। तो कंपनी ने 16/3/2023 को बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया है, और कंपनी 2-3 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 3/5/2023, और इसकी रिकॉर्ड डेट भी है 3/5/2023। तो 3 तारीख के पहले मई महीने के अगर आपके पास शेयर है, आपके डीमैट अकाउंट में आ चुके, तो आपको बिल्कुल बोनस मिल सकता है। एक बात का आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कंपनी NSE में लिस्टेड नहीं है, सिर्फ आपको BSE में ही काम करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।